नमस्ते दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे कनाडा वर्सेस बहरीन के बीच में जो सेकेंड 2020 मैच है उसकी, ड्रीम इलेवन टीम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो में क्या क्या मिलने वाला, तो वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट के बारे में फर्स्ट मैं बताऊंगा कि पिच रिपोर्ट कैसा रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे रिसेंट फॉर्म की, प्लेयर का रिसेंट फॉर्म क्या है प्लस टीम का रिसेंट फॉर्म क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रंप प्लेयर की। ठीक है, ट्रंप प्लेयर कौन से रहेंगे, जीएल के लिए प्लस स्मॉलिक के लिए। ठीक है, उसके बाद सीवीसी की बात करेंगे, कौन सा बेस्ट रहेगा सीवीसी बनाने के लिए, कौन सा प्लेयर ट्रंप रहेगा जिसको आप सीवीसी बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट में ड्रीम इलेवन टीम की बात करेंगे। ठीक है, लास्ट में आपको ड्रीम इलेवन टीम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो पिच जो है बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस विकेट है प्लस यहाँ स्पिनर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं बैलेंस विकेट है, गुड फॉर स्पिन है, एवरेज स्कोर यहाँ पे दिया है, टर्फ विकेट है। तो पिच का बिहेवियर पता चल गया आपको, यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगा। अब हम बात करेंगे रिसेंट फॉर्म की। ठीक है, रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं टीम के प्लस प्लेयर्स के। उससे पहले आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हमारे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाए। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आपको वीडियो प्लस टीम मिलेगी। ठीक है, फाइनल टीम अपडेट करके कुछ लाइनअप में चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएँ। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बहरीन के लास्ट 5 मैचेस के रिकॉर्ड के। यहाँ पे तो यहाँ पे लास्ट 5 में से 4 लॉस की है, एक का कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, एक टाई हो गया है। और कनाडा का है, लास्ट 5 में से 3 विन की है और 2 लॉस की है। ठीक है, और हेड टू हेड में एक मैचेस में यहाँ पे कनाडा विन की है मैच। ठीक है, तो यहाँ से कनाडा की टीम थोड़ी मजबूत दिख रही है। अब हम बात करेंगे कनाडा के प्लेयर के स्टेट्स की। ठीक है, तो कनाडा प्लेयर के स्टेट्स यहाँ से देख सकते हैं आप, वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनएस धारीवाल हैं 23 मैच में 748 रन। उसके बाद आर पठान है 11 मैच में 463 रन, ये भी सेकंड नंबर के बैट्समैन हैं। उसके बाद रविंद्र पाल सिंह हैं 22 मैच में 456 रन है उनका। उसके बाद एन आर कुमार हैं 18 मैच में 434 रन। ठीक है, रिजवान चीमा है 24 मैच में 389 रन और हमजा तारिक हैं 26 मैच में 324 रन। ठीक है, नीचे उतना कोई खास नहीं है। यहाँ से यम स्पोर्ट्स हैं जो कि बैटिंग सेक्शन में आपको मिल जाएंगे 5 मैच में, यहाँ पे 194 रन है, सेकंड नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। ठीक है, इनको आप ले सकते हैं। डी हेलिंगर हैं 22 मैच में 139 रन है। ठीक है, सैदविन जाफर हैं, ठीक है, 22 मैच में 73 रन, उतना कोई और खास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्लेयर के स्टेट्स देख सकते हैं। अब बात करेंगे कनाडा के मोस्ट विकेट टेकर बॉलर की। ठीक है, तो यहाँ से सैदविन जाफर हैं 22 मैच में 28 विकेट लिए हैं। ठीक है, डी हेलिंगर हैं 22 मैच में 28 विकेट। ठीक है, दोनों मोस्ट विकेट टेकर बॉलर हैं कनाडा की तरफ से। उसके बाद एच एस बैदवान हैं 17 मैच में 27 विकेट है। ठीक है, ये खेल नहीं रहे, खेलते हैं तो इनको ले सकते हैं आप, बट ड्रीम इलेवन टीम में है नहीं। ठीक है, उसके बाद सलमान नाजर हैं 7 मैच में 14 विकेट है। ठीक है, जे सिद्दीकी हैं 20 मैच में यहाँ पे 14 विकेट है उनका। उसके बाद जी डी आर इरंगा हैं 9 मैच में 12 विकेट। ठीक है, यश ठाकर खेल रहे हैं, यश ठाकर 11 मैच में 8 विकेट। ठीक है, उसके बाद उतना कोई खास नहीं है, आप वीडियो को पोस्ट करके स्टेट्स देख सकते हैं। ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप अपनी टीम में अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बहरीन के प्लेयर के बैट्समैन के स्टेट्स की। ठीक है, यहाँ से सरफराज अली हैं, ठीक है, जिनको ड्रीम इलेवन टीम में कोई ले नहीं रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 19 मैच में इन्होंने 578 रन बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद यूनिस हैं 14 मैच में 262 रन, ये खेल नहीं रहे। डी के मठियास हैं, ये खेल रहे हैं, 9 मैच में 261 रन का है। हैदर भट्ट हैं 14 मैच में 245 रन। उमर तूर हैं 9 मैच में 200 रन। ठीक है, उसके बाद उतना कोई खास नहीं है, अगर खेलता है तो आप ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करके आप स्टेट देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे मोस्ट विकेट टेकर बॉलर की बहरीन के, कौन सा बहरीन का बॉलर बढ़िया है। तो यहाँ पे इमरान अनवर हैं, जिनको ड्रीम इलेवन टीम में कोई ले नहीं रहा है। ठीक है, 21 मैच में 20 विकेट लिए हैं। यस वीरा पठीरन हैं 15 मैच में 18 विकेट लिए हैं।
जुनैद अजीज हैं 13 मैच में 16 विकेट लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कनाडा का प्लेयर उतना कोई खास नहीं है, आप अपने हिसाब से स्टेट्स देख के टीम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बॉलर्स प्लस बैट्समैन के स्टेट्स आपको दे दिए जो दोनों ही टीमों के थे, आप उनको देख के अपने हिसाब से भी टीम क्रिएट कर सकते हैं प्लस हमारी वीडियो को देख के टीम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से रिसेंट फॉर्म हो गया प्लेयर्स का भी, अब हम बात करेंगे ट्रम्प प्लेयर कौन है आपके लिए जिसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम चलेंगे ड्रीम लोन पे, जहाँ पे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन का ट्रम्प मैं बताऊँगा, ट्रम्प प्लेयर भी बताऊँगा, CVC भी बताऊँगा और ड्रीम लोन टीम क्या रहेगी हमारी वह भी मैं वहीं पर बताऊँगा, ठीक है। तो ड्रीम इलेवन टीम पे चलते हैं। तो हम आ गए ड्रीम इलेवन टीम पे। अब यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर है एन धालीवाल, ठीक है, ये आपके लिए ट्रम्प रहेंगे। इनका सिलेक्शन परसेंट 29% है बैटिंग सेक्शन में। आपके लिए स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्रम्प रहेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है कनाडा की तरफ से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे एक और प्लेयर है यहाँ पे बहरीन की तरफ से, यश अली, ठीक है। यश अली बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, तो यार ट्रम्प के रूप में अपनी टीम में रख लें क्योंकि आपके लिए GL के लिए और स्मॉल लीग के लिए दोनों के लिए बेस्ट भी करेंगे, ठीक है। खेलते हैं तो जरूर अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में कोई ट्रम्प नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में आते हैं तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ से यश नाजर हैं, ठीक है। यश नाजर अच्छे खासे विकेट टेकर बॉलर हैं, चूँकि स्पिनर्स भी हैं, यहाँ पर स्पिनर्स का दबदबा थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर विकेट लेने के इनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आई इमरान जावेद अनवर हैं, ठीक है, बहरीन की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले फर्स्ट नंबर के बॉलर हैं, ठीक है। इनको आप अपनी टीम में जरूर रखें, विकेट ले सकते हैं, प्लस इनका सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करें, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग। तो यहाँ से मैंने ट्रम्प प्लेयर बता दिए कौन कौन से ट्रम्प प्लेयर हैं। अब हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम हमारी क्या रहेगी, तो ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन में यस विजय रत्ने के साथ आपको जाना है। उसके बाद यहाँ से बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में, तो बैटिंग सेक्शन में आपको यम स्पूर्स को रख सकते हैं, बट मैं इनके साथ अब जा नहीं रहा हूँ, देखूँगा कितने नंबर पर बैटिंग करने आते हैं उस हिसाब से हम इनको रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रविंद्र पाल सिंह के साथ मैं जा रहा हूँ, डी मठियार्स के साथ जा रहा हूँ, एन धालीवाल को अपनी टीम में लिया है क्योंकि एन धालीवाल बॉलिंग भी कराते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आते हैं नीचे यश अली, इनका परफॉर्मेंस बढ़िया है इसके लिए मैं इनको अपनी टीम में रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में बात करेंगे तो यहाँ से यश वीरा पठीरन है, डी हेलिंगर है, यश ठाकर है, ठीक है, इनको अपनी टीम में मैंने रखा है। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में आता हूँ, तो बॉलिंग सेक्शन में सैडविन जाफर हैं, यश नाजार और यहाँ से नीचे हैं इमरान जावेद अनवर, ठीक है। तीन बॉलर लेके चल रहा हूँ मैं, तो हमारी टीम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके शो हो रही है। कनाडा के प्लेयर मैंने ज़्यादा रखे हैं और बहरीन के कम, क्योंकि बहरीन हो सकता है इस मैच में भी लॉस कर जाए, ऑल आउट भी हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे CVC किसको बनाना है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो यहाँ से सरफराज अली बहरीन के बेस्ट बैट्समैन हैं, मोस्ट रन बनाने वाले प्लस विकेट टेकर बॉलर भी हैं, ठीक है। यहाँ पे विकेट भी चटका सकते हैं, ठीक है, ऑलराउंडर इनको समझे आप, अपनी टीम में इनको कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा आप इनको कैप्टन बना सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे डी हेलिंगर के साथ लोग बहुत जा रहे हैं, ये मोस्ट विकेट टेकर बॉलर हैं कनाडा की तरफ से, ठीक है। रन बनाने में उतना खास नहीं है बट विकेट लेने में बहुत ही ज़्यादा खास है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हैं सादविन जाफर, ठीक है, कनाडा की तरफ से, इनका भी परफॉर्मेंस उतना ही है जितना डी हेलिंगर का है, ठीक है, 22 मैच में 28 विकेट है, ठीक है। तो यहाँ से कैप्टन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सादविन जाफर डी हेलिंगर को बनाएं, ठीक है, इन दोनों में से ही बनाएं कैप्टन वाइस कैप्टन, और एक आपको बनाना है तो यहाँ से सरफराज अली को बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए कैप्टन यहाँ से सादविन जाफर को ही बनाऊँगा और यहाँ से डे हेलिंगर को मैं कैप्टन बनाऊंगा, यहाँ से सैडविन जाफर को VC बनाऊंगा, ठीक है। तो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन हो गए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ से मैंने कहा आपको सरफराज अली को बना सकते हैं, एन धालीवाल भी बना सकते हैं, ये भी बेस्ट बैट्समैन है, रन मोस्ट रन बनाने वाले कनाडा के बैट्समैन है, ठीक है, इनको भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे हो गए, आप देख सकते हैं, आप चाहें तो VC ट्राई कर सकते हैं।
इमरान जावेद अनवर को, ठीक है। यहाँ से स्क्रीन पे आपके शो हो रही है हमारी टीम, फाइनल टीम हमारी यही रहेगी। अगर लाइनअप आता है, खेलते हैं तो यही टीम रहेगी। अगर कोई चेंजेस होता है तो हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।